तो चलिए अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर काठमांडू में आज तैयारी को एक हादसा पेश आया है। तैयारा टेक ऑफ के लिए जा रहा था, जिस दौरान बताया जा रहा है हादसे का शिकार हुआ है। और अभी तक जो खबर सामने आ रही है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 18 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 19 अफराद सवार थे, और जिसमें से 18 लोगों की मौत वाकया हो चुकी है, और जबकि एक शख्स जो है जख्मी है। और जो पूरा हादसा पेश आया, उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर पहुँची, और जो लाशें हैं वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की गई। और बताया जा रहा है कि उस दौरान जो कैप्टन था शाकिया को इलाज के लिए भी ले जाया गया। और जो इतला अभी तक सामने आ रही है कि 19 अफराद इसमें सवार थे, जिसमें से 18 अफराद हलाक हो गए हैं, और जबकि एक शख्स जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काठमांडू की तेरी भवन बैन अल-क़वामी हवाई अड्डे पर सवार ये एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद जो 19 अफराद थे, 18 लोगों की अब तक मौत वाकया हो गई है। और जराए के मुताबिक कहा जा रहा है कि 11 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अहलकार जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंचे, और हादसे के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। तैयारा हादसा होते ही इसमें बैठे मुसाफिरों में चीखो फुकार मच गई। और काठमांडू एयरपोर्ट जराए के हवाले से बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान रनवे से ये फिसल गया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। इस दौरान हादसे के बाद तैयारे में आग लगी और आसमान पर धुएं के बड़े बादल छा गए। हादसे की वजह से जो इस आग लगी थी उस पर भी काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। फायर फाइटर्स और सिक्योरिटी अहलकारों की टीम वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई, और साथ ही साथ जो लाशें थीं उन्हें भी निकालने की पूरी कोशिश की गई। और शुरुआत में कहा जा रहा था कि 5 लोगों की मौत वाकई हो गई है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जो लाशें हैं वो निकाली गई तो जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ गई, और अभी जो है 18 बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत वाकया हो गई है। और इस हादसे की इत्तला मिलते ही हुकूमत ने राहत और बचाव कामों के लिए फौज के जवानों को मौके पर रवाना किया गया था, और उसके बाद तिबी और फौज के जवानों की टीमें इमदादी कामों में उस वक्त मसरूफ थी। ये पूरी खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू की बात करेंगे, वहां पर पेश आती है, जिसमें से जो 19 लोग सवार थे और 19 में से 18 लोगों की मौत वाकया हो गई है, और जबकि एक शख्स जख्मी है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं कि जो हादसा हुआ उसके फौरन बाद वहां पर पूरी टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो लाशें थी वहां पर उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई, और 18 अफराद जो है इसमें हलाक हो गए हैं। और ये पूरा हादसा जो है टेक ऑफ के दौरान पेश आ गया, जब टेक ऑफ होता है तो उसके बाद जो प्लेन था, जो तैयारा था, हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद ये पूरा मामला पेश आया है। और जो हुकूमत है उनकी तरफ से राहत और बचाव कार्रवाई फौरी तौर पर वहां पर की गई, सारी टीमें वहां पर पहुंच गई, और जो वहां पर आग लगी थी उसे बुझाने की भी पूरी कोशिश की गई। मोदी हुकूमत के तीसरे दौर के पहले बजट को लेकर अपोजिशन हुकूमत पर हमलावार है। अपोजिशन की ये आम बजट खास तौर पर पसंद नहीं आया है। इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादी जमाते बजट में हज़्ब इख्तिलाफ़ की हुकुमरानी वाली रियासतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन्होंने एहतजाज किया। अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकजी बजट 2024 एक इम्तियाजी बजट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एनडीए की इत्तेहाद जमातों को कोशिश करने के लिए बजट पेश किया गया है, यानी कि उन्हें खुश करने के लिए जो ये बजट है वो पेश किया गया है। और उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास बजट पेश किया गया है, जबकि दीगर रियासतों को नज़रअंदाज किया गया है। और आज देखने को मिला कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो एहतजाज है वो देखने को मिला, और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज देखने को मिला। बजट पर अपोजिशन ने राज्यसभा से वॉक आउट करने से पहले कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कुर्सी बचाने के लिए सब हो रहा है, और उन्होंने इसकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और तमाम हिंदुस्तानी एहतजाज जमातें जो हैं इस पर एहतजाज करेंगे। सर
मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं उसमें जाना नहीं। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलाइंस। लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि लोगों के सामने अपोजिशन की साख खत्म हो चुकी है, अपोजिशन पार्टियां इस साख को बहाल करके इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ हैं। सर, इंडिया ब्लॉक के तमाम पॉलिटिकल लीडर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद के अंदर, अभी हंगामा लगातार जारी है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप बजट है, इंडिया ब्लॉक की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहां उनकी सरकारें हैं उनकी अनदेखी की गई है, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो या अन्य राज्य हों, वहाँ पर सरकार ने उन स्टेट्स को कुछ नहीं दिया है। देखिए, अपोजिशन में अपनी जो साख्त है अवाम में खोई है, ठीक है, उनको राइट है अपने आप को रिवाइव करने का, लेकिन उनको मुस्बत अपोजिशन करनी चाहिए। जहाँ तक देश के वज़ीर आज़म की रहनुमाई में हमारी भारत की जो वज़ीर फाइनेंस है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो बजट पेश किया है वो देश को, देश के युवाओं को हित में रख के, देश के किसान को, देश के मिडिल वर्ग को और देश के एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज और सबका साथ सबका विकास को नज़र रख के रखा गया है। और मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत के लिए, देश को खुद को फैल सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, और जो लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है और उस पर ये बजट जो है वो पूरा उतर रहा है। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या उम्मीदें हैं, आप सांसद जम्मू कश्मीर से, क्या आवाज़ उठाएंगे, क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के बजट से? जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह पे चल रहा है, वहाँ अमन है, वहाँ टूरिज्म में 2 करोड़ से का वो पार करा है, वहाँ अमन है, वहाँ किसान अपनी खेत में जा रहा है, युवा अपने स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए रोज़गार देने की उसमें है, और जो हमारा स्कूल का बच्चा है वो स्कूल जाता है, कल तक वो कैलेंडर और पत्थरबाजी में ही फंसा रहता था। और जम्मू कश्मीर एक तरक्की की बुलंदियों की वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखला और हमारे जो वहाँ एलजी प्रशासन है, हम एक तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि चुनावी साल है, चुनावी राज्य है, तो कुछ ख़ास
उम्मीदें भी वहाँ की आवाम लगा रही है इस बार केंद्र सरकार से? नहीं, हम चुनाव को देख के नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हमारे हैं, वहाँ का कश्मीरी को, डोगरा को, पहाड़ी को, गुजर को, वहाँ के और माइक्रो सेक्शंस को, पिछली जो सत्ता में रहे हैं जो लोग, कांग्रेस या कश्मीर की रीजनल पार्टीज, उन्होंने एक्सप्लाइट करा है, ऐशो अशरत करी है, पैसे को डाइवर्ट करा है, खुर्द पुर्द करा है। आज ट्रांसपेरेंसी है, आज रूल ऑफ लॉ है, और आम गरीब आदमी की भी आज इज्जत है और अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखेगा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को बहुत फायदा पहुंचेगा। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा, और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं, मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हाथ से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही, आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत। इधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने कहा कि अगरचा बजट से काफी उम्मीदें वापस ता थी, लेकिन आम लोगों को राहत मिलेगी, ताहम इस बजट से मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी मामूलात को नजरअंदाज किया गया है, और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद इस बार सरकार ने कुछ तजुर्बे की बुनियाद पर सबक सीखा होगा और अवाम के लिए, जनता के लिए कुछ राहत का पैगाम मिलता इस बजट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारी नज़र में ये बजट रिग्रेसिव है, वही लकीर की फकीर वाला मामला है, आदाद शुमार हैं, धाए भाए, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं हमारी इकोनॉमी के सामने, मुल्क के माशरे के सामने, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम सबको जानना है और हम जानते भी हैं, क्या आज हमारा मुल्क सफ़े अव्वल में है दुनिया के कई ममालिक में, जहाँ तक बेरोज़गारी की शरह में इजाफे का ताल्लुक है। और आज हमारा मुल्क लंबी दौड़ में शामिल हो चुका है, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इन्फ्लेशन का सवाल है, और कष्ट रही जो कुव्वत खरीद है आम शहरी की, उसमें भी नुमाया इजाफा हो। लोलाब और कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच में एक झड़प शुरू हुई, जिस झड़प में अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट हलाक जो है वो हो गया और एक जवान जख्मी हो गया है। लोलाब झड़प में जख्मी एक
अहलकार ने दम तोड़ दिया है और अभी भी लोलाब में तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। और जहां पर कहा जा रहा है कि फौज का एक एनसीओ जो लोलाब कुपवाड़ा में जारी एक झड़प के दौरान शदीद जख्मी हो गया था, अस्पताल में जख्मियों की ताब ना लाते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 2 हो गई। गुज़िश्ता रोज पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम को जो है एक इत्तला मिलती है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को मुहासरे में लिया जाता है और तलाशी कार्रवाई शुरू की जाती है। और बताया जा रहा है कि आज सुबह छुपे हुए मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ, जिस दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। तो चलिए इसी पर हमारे साथ साहिल शमीम ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल बताएगा अभी क्या कुछ अपडेट है वहां का। मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें एक फौजी जवान जो है वो जख्मी हुआ था, जो जख्मों की ताब लगाकर जो है वो दम तोड़ बैठा। अगर हम बात करेंगे इस इलाके की, तो इस इलाके में जो है कल से ही जो है इस इलाके को पूरे जंगलात एरिया को मुहासरे में लिया गया था, जिसमें जो है फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके जो है अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हालांकि बताया जाता है 4 से 5 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है ये, क्योंकि ये घने जंगलात का इलाका है, वैसी इलाका है जिसमें जो है ढूंढ निकालना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हेलीकॉप्टर के जरिए यानी कि चॉपर के जरिए भी जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, इसमें फौज और पुलिस की नफरी जो है भारी मकदार में इस इलाके में इस जंगलात एरिया में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन देर शाम तक जो है इस ऑपरेशन का कह सकते हैं क्या ये ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है कल शाम से ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, अभी तक जो है एक मिलिटेंट जो है उसमें मार गिराया गया है। लेकिन हमें जिस तरह से हमें जरा से ये मालूम हुआ है कि ये ऑपरेशन जो है शाम देर तक चल सकता है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम ज्वाइन करने के लिए और जानकारी देने के लिए, जहां पर आपको अपडेट किया जा रहा था कि जो आज भी देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो तलाशी ऑपरेशन है वो जारी है, और जहां पर जो ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और जो मिलिटेंट छुपे हैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर मंशियात की लपेट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात के आदि बन चुके हैं, जबकि इसमें ख्वातीन की भी एक खास तादाद शामिल है। अगर इस वबा पर काबू नहीं पाया गया तो जम्मू कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस हवाले से माहिर नफसियात लैला कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर में 7 साल बच्चे से लेकर 70 साल बुजुर्ग अफराद के केसेस भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, ताकि इस पर मुकम्मल तौर से काबू पाया जा सके और आने वाले मुस्तकबिल को बचाया जा सके। बच्चे इन्वॉल्व है इसमें, यूथ इन्वॉल्व है, हमारे जो नौजवान है वो इन्वॉल्व है, बुजुर्ग इन्वॉल्व है, लड़कियां इन्वॉल्व है, तो बहुत ज्यादा ड्रग फैल रहा है। और सबसे पहली बात है हमें इसका स्टिग्मा रिमूव करना चाहिए। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा है, वो गुनहगार है, वो गलत है, उसकी एक बीमारी है। उसको उस तरीके से देखो, उस नज़र से देखो कि वो बीमार है। बाकी जजमेंट साइड पे आप रखें कि वो गुनाह कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो बुरा इंसान, वो सारी चीज़ें आप अलग रखें, एक बीमार की नज़र से देखें। हम कैंसर के पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, हम कोई डायबिटिक का पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं। तो एक ड्रग एडिक्ट जो बीमार है, जो इस लत में फंस चुका है, जो रोज इस लत से निकलना चाहता है, उसको हम एक बीमार की नज़र से और बीमार का इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं? होता कैसे है, मतलब ऐसे इस चीज का शिकार कैसे होता है? देखिए, ड्रग में पड़ना इस वक्त कश्मीर में बहुत आसान है। आप दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, किसी ने कह दिया कि चलो जी आज हम चरस पीते हैं, चरस एक बार पिया उसके बाद उसकी लत लग जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं, ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको ऐसा डोपामीन देते हैं बॉडी में, ब्रेन में, कि वो खुशी और वो नम कर देता है इंसान को। तो जो भी हो रहा है उसको फील नहीं होता है, और आजकल के नौजवान इजीली एस्केप ढूंढते हैं, वो चाहते ही हैं वो नम हो जाए। नींद किसी को नहीं आता है तो ड्रग्स का सहारा ले ले।
लेता है, फैमिली इश्यूज होते हैं तो ड्रग्स का सहारा लेता है, किसी के साथ जो आजकल रिलेशनशिप्स आप देख रहे हैं बच्चों के या बड़ों के, कोई रिलेशनशिप में इश्यू हो जाता है तो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फोन एक्सेसिव यूज करने से बच्चे भी ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल फोनों पे भी यही है, ड्रग्स है, फांसी है। आप यूट्यूब देखिए, आप कोई कुछ भी खोल लीजिए, यू आर वन क्लिक अवे। जो एक अडल्ट को भी नहीं देखना चाहिए वो एक बच्चा भी देख रहा है, तो ये सारे जो हालात है, इसलिए ड्रग्स में पड़ना बहुत आसान है, इसका कोई भी रीजन बन सकता है। डाक बंगला सुरनकोट में पहाड़ी कबीले की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रिटायर्ड प्रिंसिपल इम्तियाज हुसैन शाह और अब्दुल हमीद मनहास ने की। इस मीटिंग में पहाड़ी कबीले की बहुत से लोग शरीक हुए। मीटिंग में कानून साज, असेंबली, पंचायत और मुकामी पार्टी ने इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मौजूदात पर तबादला ख्याल किया। आज पहाड़ी फोरम की तरफ से आज एक मीटिंग मुनक्कद की गई यहाँ पे, इसमें सभी पार्टियों के लोग जो है यहाँ पे आए हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय यहाँ पे रखी है। आने वाले इंतखाबात के हवाले से सभी लोग, अभी पार्टी जो मीटिंग जो है वो चल रही है, अभी इसके बाद जो है ये बात भी चल रही है, इसके बाद एक बड़े पैमाने पे जो है एक और मीटिंग होगी पहाड़ी कबीला की तरफ से। आज लोग आए हैं लेकिन उसमें कम लोग आए हैं, आगे वाली जो मीटिंग होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आएँगे और उसके बाद जो है कोई ना कोई हम हमारा पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं वो एक फैसला लेंगे। तो अभी तक जो है पार्टी चल रही, मीटिंग चल रही है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग आज आए हैं, और आगे की जो डेट हम देंगे उसमें मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सभी लोग इस मीटिंग में आएँ। और रासुना तराल में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है जिससे मुश्किलात में इजाफा होता है। ताहम महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौहर अहमद ने बताया कि ट्रायल बेसिस पर कनेक्शन देना शुरू किया गया है और 15 दिनों के अंदर तमाम फैमिलियों को कनेक्शन दिया जाएगा जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाए। रासुना बस्ती के बाशिंदे यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम इस ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पर पानी का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है, पानी के कुछ कोई खास इसके रिसोर्सेज नहीं है पानी के। तो यहाँ पर महकमा जल शक्ति ने हमें एक स्कीम इनायत की थी जिस पर कई सालों से काम चल रहा है, जो करीबन 4 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने उस पर जो काम किया है वो उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद जो ये पाइप्स वगैरह बिछाने का काम था वो बिछाने में महकमा लैतो लैल का मुजाहरा कर रहा है, बड़ी सुस्त रवि से काम ले रहा है। तो कई महीनों से वो ये काम कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ये काम अच्छी तरीके से बहुत खूबी अंजाम देने में नाकाम हुए हैं। तो इसकी वजह से हमारे गाँव में यहाँ कई मसाइल खड़े हुए हैं, जिनमें से जो उन्होंने पाइप्स जो ज़मीन के नीचे बिछानी होती हैं वो अक्सर जगहों पर उन्होंने जेर ज़मीन लगाने के बजाय ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। मामूली सड़क को खरोचने के बाद उस पर ऊपर डस्ट लगाया है और ऐसे रखी हैं जो विंटर में गालिब गुमान है कि विंटर में वो सही सलामत नहीं रहेंगे, वो फट जाएंगे। तो और एक मसला यहाँ ये हुआ कि यहाँ आइंदा इस बात का इम्कान है कि गाँव में एक दूसरे के साथ लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि हर महल्ले के अंदर उन्होंने जहाँ पर भी पाइप लगाई है कहीं 10 घरों में 2-3 घरों के अंदर पानी आता है, बाकी घरों के अंदर नहीं आता है। हर महल्ले की यही जो है सूरत हाल है हम देखते हैं। तो जो ये इसका ठेकेदार साहब है हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हमने उसको देखा भी नहीं है ग्राउंड लेवल पे, वो कभी आया नहीं है, या इसके जो मजीद अफसरान है जेई साहब है या इसके ऊपर वाले जो अफसरान हैं वो भी यहाँ ग्राउंड सतह पर ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के लिए कभी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। हुकाम जो है वो आए, वो देखें, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोग यहाँ सफ़र ना करें, लोगों को वक्त पर पानी मिले और खासकर इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर घर में पानी जाए, हर घर में पानी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ जान पहचान रखने वाले। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।